أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم عجل لوليك الفرج. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. उलमा को जानो की सीरीज के आज के एपिसोड में जिस आलम दीन का हम जिक्र करने जा रहे हैं वह है अल्लामा सैयद मेहदी बहरुल उलूम अलैहिर रहमा। अल्लामा सैयद मेहदी की विलादत 1155 हिजरी में हुई थी। इनका नाम मेहदी था और इनके फादर का नाम सैयद मुर्तजा तबातबाई बुरजर्दी था। अल्लामा सैयद मेहदी की जो लिनियज है, जो उनके एंसेस्टर्स अगर देखा जाए, तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो इमाम हसन के पोते थे, इमाम हसन के बेटे थे, जिनको तबातबा के नाम से भी जाना जाता था, उनके थ्रू अल्लामा सैयद मेहदी की नस्ल है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो फादर थे, जो वो जनाब हसन मुसन्ना थे, जिनके फादर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम थे। अल्लामा सैयद मेहदी बहरुल उलूम की विलादत करबला में हुई, शब जुमा हुई, शव्वाल के महीने में हुई। शेख अब्बास कुम्मी अपनी किताब फवायद रौजिया में लिखते हैं कि जिस रात अल्लामा सैयद मेहदी बहरुल उलूम की विलादत होने वाली थी, उस रात को अल्लामा सैयद मेहदी के फादर ने ख्वाब देखा, एक ड्रीम देखा, कि जिसमें उन्होंने देखा कि इमाम अली इब्न मूसा रजा अलैहिस्सलाम, हमारे आठवें इमाम, अपने स्टूडेंट मोहम्मद इब्न इस्माइल इब्न बास को एक कैंडल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कैंडल जाओ और छत पर जो है इस कैंडल को जो है आप रोशन कर दो, जला दो, मतलब उसमें एक फायर लाइट कर दो। और जब वो ऐसा करते हैं मोहम्मद इब्ने इस्माइल, तो उस चिराग से, उस लाइट से, जो कैंडल की लाइट है, उससे जो है वो लाइट आसमानों की लाइट से कनेक्ट हो जाती है और उससे पूरी दुनिया जो है रोशन हो जाती है, लाइटन हो जाती है। अल्लामा सैयद मेहदी बहरुल उलूम की जो ट्रेनिंग थी, इनिशियल ट्रेनिंग, वो उनके फादर और जो है जो कई सारे स्कॉलर्स थे और जो फुकहा थे उनके ज़माने के, उनके अंडर होनी शुरू हुई। पहले के चार साल उन्होंने अरबिक ग्रामर और बाकी सब जिस तरह पढ़ते उस तरह पढ़ा, लेकिन जल्द ही वो आयतुल्ला वहीद बहबहानी और शेख यूसुफ बहरानी अलैहिमुर्रहमा, इन दो जलील कद्र उलमा के अंडर इन्होंने जो है लेक्चर सुनने शुरू किए और जल्द ही ये जो है अल्लामा सैयद मेहदी बहरुल उलूम इज्तिहाद के लेवल पर पहुंच गए। अल्लामा सैयद मेहदी ने कई किताबें लिखी है, जैसे मसाबी फी शरह मफाती, अद्दुर्रतुल नजफिया, मिश्कातुल हिदाया, फवाइदुल उसूलिया, फवाइदुल रिजालिया, रिसाला फिल फिराक वल मिलाल, तोहफतुल किराम फी तारीख मक्का वल बैतुल हराम, और भी जो है कई सारी जो है किताबें इन्होंने लिखी है। अखुन मुल्ला ज़ैनुल आबिदीन सलमसी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक आलिम दीन थे, वो ये बताते हैं कि वो अल्लामा सैयद मेहदी के साथ एक कुछ समय मक्के में थे, जब अल्लामा सैयद मेहदी मक्के में रह रहे थे। अल्लामा सैयद मेहदी की एक आदत थी कि वो जो है तवाफ करते थे नमाज सुबह के बाद, और तवाफ करने के बाद जो है वो जाते थे और अलग अलग मसलक के लोग जब मसले पूछने आते थे उनके हिसाब से उनको वो उस हिसाब से दर्स देते थे। मतलब न सिर्फ जाफरी फिक्ह में वो जो है एक स्कॉलर थे, बल्कि जो अहले सुन्नत के जो उनके मसलक है उसमें भी सैयद मेहदी बहरुल उलूम स्कॉलर थे और उनको उनके हिसाब से जो है सैयद मेहदी बताया करते थे। एक मरतबा ये जो अखुन मुल्ला ज़ैनुल आबिदीन सलमासी है, ये कहते हैं कि मैं जो है अल्लामा सैयद मेहदी बहरुल उलूम के साथ था जब वो उनके रूम में जा रहे थे, और तब मैंने देखा कि अचानक जो है एक दरवाजे पे किसी ने नॉक किया और अल्लामा सैयद मेहदी बहरुल उलूम की जो है एकदम, मतलब उनकी कंडीशन चेंज हो गई। उन्होंने इनको कहा, अखुन मुल्ला ज़ैनुल आबिदीन को, कि आप जो है प्लीज़ यहाँ से जाइए, मुझे किसी से मुलाकात करनी है। अखुन मुल्ला ज़ैनुल आबिदीन जो है पीछे थे, ये दौड़ कर जो है दरवाजे पर गए, यानी अल्लामा सैयद मेहदी बहरुल उलूम बड़े जलील कद्र आलिम थे, लेकिन ये खुद उठे, गए दरवाजे पर, खोले और उन्होंने जो है किसी को घर में वेलकम किया और उनके साथ बैठे, उनकी बातें की। आखिर में जब वो जा रहे थे तो उनके साथ दरवाजे तक गए, उनकी सवारी तक गए और उनका हाथ को जो है उन्होंने चूमा। और जब वो चले गए तब अल्लामा सैयद मेहदी बहरुल उलूम आए और उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी है जो आप जो है कोहे सफ़ा, जो मक्का में जो पहाड़ है,
वहां पे जाइए, वहां पे जो है एक मनी डीलर होगा, पैसा जो करेंसी वाला होता है उसके पास जाना और उसको जो है ये नोट दे देना, वो जो है आपको पैसे देगा जिससे जो है हौजे का खर्च और बाकी जो है चीजें चलेगी। अब जब ये गए और इन्होंने जो है वो चिट्ठी जो है उस एक मनी डीलर को जिस हिसाब से बताया था उसकी निशानी उसको दी, उस मनी डीलर ने उस चिट्ठी को देखा, आंख पे बोसा लगाया, चूमा और चार हमाल बुलाए जिसमें जो है बहुत सारे करेंसी नोट्स लेकर उनको कहा कि जाओ ये अल्लामा सैयद मेहदी बहरुल उलूम को दे देना। अब जब कुछ दिनों बाद ये वापस उस जगह पर गए और पूछा कि यार वो मनी डीलर कहाँ गया, मुझे उससे मिलना है, तो आसपास के जो लोग जो दुकान वाले थे या जो थे वो बोले कि यार ऐसा तो कोई बंदा हमने कभी देखा ही नहीं, कभी था ही नहीं। अब इनको ये रियलाइज हुआ कि ये हजरत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का गैबी हेल्प थी कि जो अल्लामा सैयद मेहदी बहरुल उलूम के मदरसे में और बाकी जो चीज़ों में इश्यूज आ रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे थे, उसको हेल्प करने के लिए ये इमाम ज़मान ने उस डीलर को वहाँ भेजा था और इसके बारे में और किसी को पता नहीं था। अल्लामा सैयद मेहदी के बारे में है कि इन्होंने इमाम ज़मान से कई मरतबा मुलाकात की है, शरफ हासिल किया है और कई लोगों ने इमाम ज़मान से मुलाकात का शरफ हासिल किया है डेफिनेटली, लेकिन कई लोगों ने इस तरह मुलाकात की कि मुलाकात करने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि वो इमाम ज़मान से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अल्लामा सैयद मेहदी बहरुल उलूम के बारे में कि जब वो इमाम ज़मान से मुलाकात करते थे तो वो पूरी मारिफत के साथ, पूरी नॉलेज के साथ ये जानते थे कि ये इमाम ज़मान है कि जिससे वो गुफ्तगू कर रहे, जिससे वो बातें कर रहे थे। ये लेवल था अल्लामा सैयद मेहदी बहरुल उलूम अलैहिर्रहमा का। इनके बारे में एक और इंसिडेंट है कि एक मरतबा अल्लामा सैयद मेहदी बहरुल उलूम करबला की तरफ जा रहे थे और उन्होंने अचानक उनके स्टूडेंट्स के साथ होते और अचानक उनके स्टूडेंट्स ने देखा कि अल्लामा सैयद मेहदी क्राउड के बीच में, जवानों के बीच में जा रहे और ज़ोर से, उनको न अमामे का होश था न अपने बॉडी के लिबास का था, बस वो जाके खुले ज़ोर से मातम कर रहे थे। अब अचानक उनके स्टूडेंट्स उनको कोशिश कर रहे कि उनको थोड़ा काम करे, थोड़ा कंपोज करे, लेकिन अल्लामा सैयद मेहदी गिरिया कर रहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर और ज़ोर ज़ोर से मातम कर रहे हैं। अब जब बाद में थोड़ी सी बैठे और सब बात हुई तो उनके स्टूडेंट्स ने पूछा, अल्लामा आपने ऐसे अचानक आप चल रहे थे और अचानक आप जाकर जो है इस तरह से ज़ोर से मातम करने लगे, कुछ इसके पीछे वजह? कहा कि मैंने, मेरी नज़रें वो देख रही है जो तुम्हारी नहीं देख रही, मैंने देखा कि मेरे ज़माने का इमाम उन जवानों के साथ मातमी सफ में खड़ा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ज़ोर ज़ोर से मातम कर रहे हैं, तो मुझे शर्म आई कि जब मेरे ज़माने का इमाम इस तरह मातम कर रहा है और मैं जो है कोने में खड़ा हूँ और मातम कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चल रहा हूँ, और इस वजह से जिस तरह हज़रत मातम कर रहे थे मैंने जाकर मातम करना शुरू किया। अल्लामा सैयद मेहदी बहरुल उलूम की पूरी ज़िंदगी इमाम ज़मान अज़लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में गुजर गई और आखिर में 1212 हिजरी में अल्लामा सैयद मेहदी बहरुल उलूम इस दुनिया से चले गए। उनकी वसीयत के मुताबिक अल्लामा मिर्ज़ा मेहदी शहरस्तानी ने जो है उनकी नमाज़ जनाजा पढ़ाई और उनको शेख तूसी अलैहिर्रहमा की कब्र के पास जो है दफनाया गया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए आलम दीन की स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग 5 minutes at 5 PM वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पर मोहम्मद व आलि मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम।